ये है स्कूल की दीवार, और स्कूल की दीवार के पीछे आपको दिख रहे हैं दो रशियन टैंक। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा है। ये रूसी सेना का तांडव था, आप देखिए। और फिर हेलीकॉप्टर से भी यहाँ पर निशाना साधा जा रहा था, यानी कि हर तरफ से, एक तरह से कहा जाएगा उधर कोस्तुमल, इधर इरपिन और इधर मोशून। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं मौजूद हूं यूक्रेन की राजधानी कीव में। युद्ध लंबा चल रहा है और यहां पर लोग खौफ में हैं कि कब तक ये युद्ध चलेगा, आखिर किस दिशा में, क्योंकि ना तो पुतिन के तेवर कम हो रहे हैं, ना ही जेलेंस्की सरेंडर करने को तैयार है। मैं कुछ तस्वीरें आपको राजधानी कीव से दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर ये अलग अलग देशों के झंडे लगे हैं, जिसमें ये यहाँ पर बड़ा सा बैनर लगाया गया है और लिखा है कि जो अलग अलग देशों के लोग हैं जो इस वक्त यूक्रेन के लोगों की मदद करना चाहते हैं वो यहाँ पर आए। और इसमें लिखा है कि फ्रॉम एवरी सिंगल कंट्री come here and stand beside the Ukrainians to defend humanity, यानी कि मानवता को बचाने के लिए वो अपील कर रहे हैं अलग अलग देशों से, ताकि वो यहाँ पर आए, हथियार थामें, वॉलंटियर की भूमिका निभाएं और यूक्रेन के लोगों की मदद करें। इस तरह की तस्वीर यहाँ पर हर जगह नजर आएगी। और जो लोग यहाँ पर, जिन्होंने वॉलंटियर्स की भूमिका निभाई है, उन देशों से जो लोग पहुंचे हैं, अलग अलग देशों के झंडे आप यहाँ पर लाइन से देख सकते हैं। ये इसके लिए बाकायदा एक मुहिम शुरू की गई है, वेबसाइट्स भी इसमें दी गई हैं। और आपको बताएं कि ये युद्ध काफी ज्यादा लंबा चल रहा है। अब पुतिन अपने घर में ही घिरने लग गए हैं। उनके सरकारी चैनल्स में ये डिबेट चल रही है कि पुतिन अब क्या करने वाले हैं, उनके पास विक्ट्री का कोई प्लान है भी या नहीं। एक रिपोर्ट आप देखिए। खिलाफ युद्ध में अब तक पश्चिमी मीडिया ही पुतिन को घेरने में लगा था, लेकिन अब खुद रूसी मीडिया में भी पुतिन की आलोचनाएं शुरू हो गई हैं। और इस आलोचना की वजह है महायुद्ध में लग रहा लंबा वक्त, रूसी हथियारों को मोर्चे पर पहुंचने में हो रही दिक्कत और जंग लड़ने के लिए पुराने हथियारों का इस्तेमाल। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रूस के सरकारी टीवी चैनल पर पुतिन के खिलाफ आलोचना कोई और नहीं बल्कि पुतिन के समर्थक ही कर रहे हैं, जिन्हें रूस में पुतिन की कठपुतली कहा जाता है। इससे पहले भी युद्ध में रूसी रणनीति और पुतिन के फैसलों को लेकर कई लोग सवाल उठा चुके हैं। नेटो के पूर्व कमांडर कह चुके हैं कि जंग जीतने के लिए पुतिन को 8 लाख नए सैनिक भेजने होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कह चुके हैं कि पुतिन को जंग खत्म करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक एवरिल हेंस कह चुकी हैं कि पुतिन का टारगेट और उनकी मंशा रूसी सैनिकों की क्षमता से कहीं ज्यादा है। पुतिन जंग को किस ओर लेकर जा रहे हैं, इसे लेकर अब तक सवाल सिर्फ विरोधी खेमे में उठ रहे थे, लेकिन अब इन सवालों को लेकर पुतिन अपने घर में ही घिरते जा रहे हैं। रूस में चर्चा तो ये तक शुरू हो गई है कि युद्ध जीतने के लिए पुतिन कुछ और कड़े कदम उठा सकते हैं। युद्ध अगर लंबा चला तो आलोचनाओं से बचने के लिए पुतिन रूस में मार्शल लॉ लागू करने जैसा कठोर फैसला भी ले सकते हैं। वैसे पुतिन विक्टरी डे परेड पर युद्ध को जरूरी बताते हुए ये संकेत जरूर दे गए कि युद्ध अभी लंबा चलने वाला है। Я им головы перед памятью мучеников Одессы, заживо сожженных в Доме профсоюзов в мае 2014 года. Перед памятью стариков, женщин и детей Донбасса. Мирных жителей, которые погибли от безжалостных обстрелов, варварских ударов неонацистов. Путин пахле дин се ие санкет де рахе хэн,
कि जब तक वो यूक्रेन को तोड़ेंगे नहीं तब तक उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन 2.5 महीने से चले आ रहे युद्ध में न तो यूक्रेन झुकने को तैयार हुआ और न ही पुतिन अपने मकसद में कामयाब हुए। और इन सब के बीच अब दावा ये किया जा रहा है कि अगर यूक्रेन रूस के आगे कुछ और दिनों तक टिक गया तो जीत की बाजी यूक्रेन के हाथ लग सकती है। इरपिन का एक बड़ा इलाका रूसी सेना के हमले की भेंट चढ़ गया। वहां पर हाउसिंग सोसाइटी में कई इमारतें तबाह हुई हैं। लाइन से एक एक करके सारी इमारतें रूसी सेना का शिकार बनी हैं। मैंने वहां का जायजा लिया, एक रिपोर्ट आप देखिए इरपिन से। रूसी सेना ने क्या हाल कर दिया है तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए यहाँ पर एक नहीं कई आशियाने उजड़ गए। ये बिल्डिंग अभी नई बनाई गई थी और लोगों का घरौंदा बसने से पहले ही उजड़ गया। हर किसी का एक सपना होता है कि उसका अपना घर हो, लेकिन यहाँ पर तो हजारों घर उजड़ गए हैं। आप देखिए ये यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर बिखर चुका है। बताया जाता है कि यहाँ पर रूसी सेना के रॉकेट गिरे, फ्यूल रॉकेट यहाँ पर गिरे जिसने यहाँ पर सब कुछ उखाड़ फेंक दिया। ये पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसमें एक भी ऐसा फ्लैट नहीं बचा है जो इस वक्त ठीक हो, सलामत हो, या फिर लोग यहां पर आकर के अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर पाए। अंदर हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि सेना ने हमको रोक दिया है। अंदर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मलबा कभी भी नीचे गिर सकता है, यहां पर मलबा आ सकता है। ऐसे में बाहर से मैं आपको दिखा रही हूं कि क्या हाल है। और जब आप पूरे इलाके से होकर गुजरते हैं, यहां से आप आगे तक जाते हैं तो आपको ऐसी कई इमारतें नजर आएंगी। रूसी सेना यहां पर सब कुछ तबाह करके वापस तो चली गई, लेकिन बर्बादी के निशान यहां पर नजर आ रहे हैं। ये हम आगे जाते हैं और पिछले 3 दिनों से मैं यूक्रेन से आप तक खबरें पहुंचा रही हूं। यकीन मानिए इस तरह का मंजर देख करके मेरे पास शब्द नहीं होते हैं चीजों को बयां करने के कि लोगों की बसी बसाई जिंदगी, उनका पैसा डूब गया। वो लोग एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे जिसमें उनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन वो जमीन पर आ गए। वापस से सबको शुरू करना मुश्किल होगा। लोग यहाँ पे वापस नहीं लौटना चाहते हैं। कुछ लोगों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि वो कैसे आए क्योंकि युद्ध तो अभी भी चल रहा है। उनको ये डर है कि कहीं रूसी सेना फिर से उनके घरौंदे को ना उजाड़ दे। वो फिर से शुरू करेंगे, पाई पाई करके एक आशियाना बनाया जाता है, फिर से उनका घरौंदा ना उजड़ जाए। रूस की सेना यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह पर कब्जा करना चाहती है। ओदेसा पर लगातार मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। ओदेसा वो इलाका जो ब्लैक सी से